A particle moves from the point itna at t equal to 0 with an initial velocity itna. It is acted upon by a constant force which produces acceleration. ठीक है, acceleration भी constant है. What is the distance of the particle from the origin at t equal to 2 second? ठीक है, तो आप ध्यान दो यहाँ पे तो acceleration constant है, x के long constant है, तो x के long हम लोग s equal to ut plus half t square use कर सकते हैं. और acceleration along y भी constant है, तो y के along भी s equal to ut plus half t square use कर सकते हैं. ठीक है, अब displacement along x निकालने के लिए initial velocity along x वो कितना है? इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितना है? 5. कितने टाइम के बाद पूछा है? 2 सेकंड के बाद. हाफ एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स 4, 2 सेकंड है ना. वैसे डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई 4 इंटू टाइम, हाफ एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई 4 इंटू टाइम का स्क्वायर. ठीक है, तो 8 हो गया यहाँ पे, और 8 16, और ये भी कितना हो गया 10 और 8 18. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई मिल गया. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स मतलब क्या? फाइनल पोजीशन एट एक्स या फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स. इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स कितना है? 2 है. ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई मतलब क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ. इनिशियल वैल्यू ऑफ कितना है? 4 है. ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस 2 इक्वल टू 18 से एक्स का वैल्यू कितना आया? 20 आया. वैसे यहाँ से वाई का वैल्यू भी 20 आया. ठीक है, तो पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाले कितना है? 20, 20. तो अगर पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स 20, 20 है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा? अगर कोई पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट्स 20, 20 है, ये भी 20, ये भी 20, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा? 20√2. वही पाइथागोरस लगाओ. ठीक है, नेक्स्ट जेईई मेन 2019 क्वेश्चन जो टू डायमेंशनल मोशन से है, वो करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए.